आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के नेक्स्ट जेनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम के बारे में और ये भी जानेंगे कि इसे नेक्स्ट जेनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल क्यों कहा जा रहा है। 28 जून यानी कि सोमवार को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में इस मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और कहा जा रहा है ये अग्नि सीरीज का सबसे उन्नत मिसाइल में से है। मिसाइल टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने परफेक्ट ट्रेजेक्टरी के साथ सही एक्यूरेसी से टारगेट को हिट किया था। अग्नि प्राइम अग्नि वन मिसाइल का एक एडवांस वेरिएंट है। अग्नि वन की तरह इस मिसाइल की रेंज भी 1000 से 2000 किलोमीटर के अंदर ही है, लेकिन इसकी रेंज पेलोड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अग्नि सीरीज की दूसरी मिसाइल से अलग ये मिसाइल काफ़ी शॉर्ट और लाइटवेट है और साथ में इसकी एक्यूरेसी और पेलोड कैपेसिटी भी ज़्यादा है। अग्नि प्राइम को कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाया गया है जिसके कारण इसका वेट काफ़ी हल्का है। अग्नि प्राइम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लॉन्च सिस्टम कैनिस्टर बेस है। इसका मतलब इस मिसाइल को रेडी टू फायर मोड में कैनिस्टर पे रखा जा सकता है और बहुत ही कम समय में इसको फायर किया जा सकता है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है कि अग्नि वन के रहते हमें इस मिसाइल की जरूरत क्यों है। भारत ने जब अग्नि वन को डेवलप किया था तब भारत के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अभी के वक्त भारत के पास मिसाइल की लगभग हर एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अग्नि प्राइम को आप क्विक रिएक्शन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोल सकते हैं। भारत के सेकेंड स्ट्राइक पॉलिसी होने के कारण ऐसा क्विक रिएक्शन मिसाइल भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही कारण है कि DRDO ने इस नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल को डेवलप किया। आपका क्या राय है इस मिसाइल के बारे में, नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।